हे हाय एवरीवन, दिस इज फुरकान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, राइट नाउ मैं आया हूं कुरला में नौशाद भाई के इधर, साकी नाका। नौशाद भाई, लाल गुम। नौशाद भाई थोड़ा ट्रेन करो मेरे को, एड्रेस थोड़ा इतना याद नहीं रहता है, जरी मरी वगैरह। नहीं नहीं, ये साकी नाका 90 फुट रोड मैक्सिस सिनेमा। अच्छा, मैक्सिस सिनेमा के सामने। अच्छा, तो नौशाद भाई ये वीडियो में वो क्या दिखाने वाले? एक तो वीडियो माशाल्लाह पतिरा की तो आ गई है, लोगों ने देख लिया। मेवाती बच्चा है ये। अच्छा, और ये एक इसमें अभी लोग इसको मालवा बोलते हैं, लेकिन ये मालवा की हाइट नहीं होती है, ये मालवी ब्रीड में आता है। ये भी एक ब्रीड है। अच्छा अच्छा, जो लोगों को पता है कि नहीं पता है। अच्छा, ये इंदौर वालों को पता है, इंदौर वाले ही कुएं की ब्रीड है ये। अच्छा, वही लोग पालते हैं ज्यादा मालवी हाइट का। अच्छा, इसको मालवा ही ज्यादा बोलते हैं। अच्छा, तो मैं लोगों को बता दूं, नौशाद भाई को आज कितना साल हो गया? नौशाद आपको भाई 13 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं, सॉरी 2013 से। और माशाल्लाह मैं बोलूंगा कि उनका जो कॉन्सेप्ट है पलाई का, शायद इसे मार्केट में कोई बॉम्बे में करता होगा, गांव खेड़े में करता रहेगा अलग बात है। और क्या बोलते हैं नौशाद भाई, आपका जो पलाई का जो कॉन्सेप्ट है? हमारे का कोई पलाई का तो भाई तभी अच्छा पालते हैं, कोई किसी से कम ज्यादा नहीं है। लेकिन एक बात मेरे को नौशाद भाई अच्छी लगी कि बकरे को रस्सी नहीं है। ना, रस्सी नहीं लगाते हैं बकरे, हमारे आजाद है। क्यों ऐसा? हमने सोचा ही नहीं रस्सी वाला, तो मार देगा वो। ए, उधर जा बाबू, तू उधर जा, ये बकरों के चक्कर में मार देगा। पकड़ के रहो ना राजू, बस खस्सी है ना, अंडू है। अंडू है, माशाल्लाह। अच्छा, ये तकरीबन ये अभी 80 किलो के लगभग है, ये मेरे पास जल्दी आया है, 3 महीना हुआ, 80-90 के होगा। अच्छा, तो ये पलाई का रिजल्ट बता रहे हैं, बकरा देना है? नहीं, बकरा देना ही है। अच्छा अच्छा, मेरे पलाई वाले बकरे तो अल्हम्दुलिल्लाह सब 110 के ऊपर के, नीचे के कोई नहीं है मेरे पास। अच्छा अच्छा अच्छा, जो है तो जो 2-3 महीना पहले दिए तो उनके जो रह रहे, बाकी जिनका साल भरते हैं मेरे पास बच्चे, वो अल्हम्दुलिल्लाह 100 प्लस ही है। अच्छा, तो पलाई के लिए अपने ना पूरी डिटेल वीडियो बनाएंगे, तो उसका रेट क्या है, क्या तो है? पलाई वाला बकरे की वीडियो में आपको पलाई वाले बकरे दिखाऊंगा, अभी बाद में दिखाएंगे अपन। ये सेल के बच्चे? अच्छा, ये दोनों सेल के, माशाल्लाह ये अंडुल काफी रुबाबदार और बोलते ना अट्रैक्टिव है। अच्छा, ये देखा जाए तो व्हाइट बोलो, व्हाइट आइज क्या, वो बड़ी आइज व्हाइट आइज। अच्छा, तो नौशाद अपने पास टोटल बकरे कितने सेल के लिए, एक से एक बकरे लेके आते जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 200 के लगभग बकरे हैं। अच्छा, कुछ बकरे आपको यहाँ दिखा देंगे, कुछ बकरे मेरे टोला वाले। अच्छा, तो इसकी डिटेल करेंगे राइट वाले की। ये अभी ये वाला बच्चा समझ लो 6 दांत पे है, और लगभग 90 किलो के लगभग होगा। अच्छा, उनका वजन कर देंगे सामने सामने। अच्छा, और ये लेफ्ट में वो 6 दांत पे वो भी है। हाँ, और वो भी 85 के लगभग होगा। अच्छा, तो आप जो फैमिली वाले लोग के लिए बेस्ट है, जो चाहिए ना। हाँ, खेलने वाला बच्चा, बच्चे वगैरह खेल रहे हैं, ये वो हो गया। अच्छा, नौशाद भाई जितना तक जहाँ तक मेरे को नॉलेज है, ये लेफ्ट वाला बच्चा बहुत आगे है, 1 साल अगर रुका ना, ये ऐसा अपने को अपना प्राइस आ गया। हाँ, तो देंगे जी बेटर, नहीं तो इसको अपन रख ही लेंगे। क्या बोलते ना, अगर ये लेके अगर आपके पास 1 साल रखते तो इंशाल्लाह 130 तो किधर ही लेगा आपके पास। अल्लाह की मर्जी है, अभी अपन तो नहीं, जिस हिसाब से मैंने देखा ना आपका रिजल्ट आ रहा है, मेहनत कर सकते हैं, अल्लाह उसको और हमको हयात दे, बाकी मेहनत करके 130 या 120 तो पहुंच जरूर जाएगा कहीं ना कहीं। नहीं नहीं, माशाल्लाह क्यों मालूम है, उसमें ना वो पोटेंशियल दिख रहा है, जितना है उसमें दिखता है ना, उसमें मेरे को इतना मेरे नजर में तो नहीं दिख रहा, अभी आपको मालूम है आपकी। नहीं नहीं, ये बनने वाले ही बच्चे हैं ये। अच्छा, वो थोड़ा क्या, थोड़ा शैतानी जाए बाबू, रुबाब आता है यार उसका, चलता भी ऐसा ना, वो शैतानी कर रहा है। मारो उसको राजू भाई, मारो ना, कौन रुबाब का बच्चा? हाँ, इधर आगे लेकर, आगे लेकर, वो बोलते ना देवनार से कुछ लेके आए करके, वैसा बकरा लग रहा है मेरे को नौशाद भाई। और माशाल्लाह पैरों से भी मजबूत है यार, ऐसा भी नहीं कैसी बीछी मारा है। नहीं, नहीं, अभी आया बोल रहे ना, अभी 3 महीना हुआ, 3 महीना हुआ। इसमें क्या है, अभी अंडू बकरा इतनी जल्दी सेट नहीं होता जगह पे, उसको हाँ, बनाने में समझाने में टाइम चला जाता है। अच्छा, और खाली बकरा है? अभी खाली है, अभी तो समझो अपन ने ध्यान भी नहीं दिए इसके ऊपर। अच्छा, लेकिन नए बकरे पे इमीडिएट मेहनत कर नहीं हो पाती है। अरे, बहुत लंबा बकरा है, बहुत लंबा बकरा माशाल्लाह, मतलब 2 बकरे आए लेकिन मेरा ध्यान इधर ही चल रहा है माशाल्लाह। और ये बकरी की बात करो, ये अपने अपने अलग है, ये अलग चीज है, सीधा मार देता है, सीधा ये। अच्छा, ये बांटता है, काम ज्यादा है ऐसा। अच्छा, ये मारता है। नौशाद भाई बात कम बोल रहे हो, बात सही है, रेट क्या है? रेट तो भाई फोन पे ही बताएंगे, हजारों में ही है ना, डबल डिजिट में रहेगा इंशाल्लाह। डबल डिजिट में तो 99 हो गया, डबल डिजिट 10,000 भी होता है।
दस हजार में आगे तीन जगह लगते है। कैसा है अभी जो लेने आएगा शौकीन आदमी, हाँ, तो वो सही बात है। हर आदमी सोचता है एक अच्छी चीज मिले कम बजट में, और जो बेचने वाला सोचता है जितना महंगा बिके उतना अच्छा है, तो दोनों का रहता भी हल्ला नहीं। कोई कोई ना डरता है बात करने, यार मैं बोलूंगा अपना रेट कम है, कुछ नहीं कोई भी बात कर सकता, ऐसा कुछ नहीं है। आदमी रेट बोले जमेगा तो ठीक है, नहीं जमेगा तो चाय पी के जाएगा बंदा। सही बात, नहीं सही बात नौशाद, बहुत लाखों की बात बोल दी आपने कि ऐसा नहीं समझने का कि नौशाद कुछ छोटा मिल जाएगा आपको, उनके पास अलग अलग रेंज के बकरे, सब रेंज के बच्चे, अल्लाह चाहेगा तो कोशिश करेंगे खाली हाथ किसी को नहीं जाने दे इंशाल्लाह। बाकी ये बच्चा भी माशाल्लाह, ये बच्चा बनता बहुत अच्छा है। हां ना, हां में का एक पीस मेरे पास उधर है, मैं भी आपको दिखाऊंगा। वो पलाई का, लेकिन वो मैंने 22 किलो पे बेच दिया था, अभी इस समय 100 प्लस ही होगा। वो सेम कैटेगरी है, बहुत भारी बना है। मैं जितने व्हाइट बकरे देखो उसके नीचे ऐसे बाल निकले हुए हैं। नहीं नहीं, एक्चुअली वो थोड़ी एक ट्रे मेरी बीच में गड़बड़ हो गई थी। अच्छा। उधर लोग घस घस के ना उसका बाल निकाल दिए। अब मैं बता दूं, ट्रे मैंने चेंज कर दी। ऐसा हुआ क्या? हाँ। तो नौशाद भाई, इधर कभी रस्सी तो बंधी नहीं है मैंने आज तक ने देखा, रस्सी तो नहीं बांधते आप। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो माशाल्लाह बहुत बहुत बोलते हैं ना बेहतरीन बकरा, अगले साल के लिए तो माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज है। अगर किसी को खरीदना रहेगा तो कभी आना पड़ेगा, टाइमिंग बता दो। दिन में 12 बजे के बाद कभी भी आओ, कि 12 बजे के बाद इसलिए कहना है कि साफ सफाई का टाइम है। अच्छा। तो अपन सामने वाले को एंटरटेन नहीं कर पाएंगे साफ सफाई में 12 के बाद ही। हाँ, और कॉल कभी करने का, क्योंकि कॉल तो माशाल्लाह 10 बजे के बाद सुबह। अच्छा। और थोड़ा लेट फास्ट उठे अपन नहीं उठा पाए, चले बेहतर है शाम में रात में 12 बजे तक करो ना, बॉम्बे में रहते कोई मुश्किल। अच्छा, अगर चलो बॉम्बे वाले तो आके देख के जाएंगे, बाहर कोई मंगाता है क्योंकि ये तो कोई चीज माशाल्लाह ऐसी है ना। मैं बाहर का बता दूं, बकरा बेच तो दूंगा, ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाऊंगा। ट्रांसपोर्ट नहीं, हां मैं बाहर का ट्रांसपोर्ट का नहीं पालता हूं। हां, उसका कोई यहां होगा डिलीवरी ले ले मेरे से, उसको भेजता है क्या करता है उसका लुकआउट है, मैं बाहर का वो नहीं लेता हूँ। अच्छा, जो भी है पर्सनली आके देखो वो अच्छा। लाइव देखो क्या होता है दुकान भाई, फोटो और लाइव में बहुत फर्क आ जाता है, मैंने ये चीज देखी है। सही बात, फोटो में बकरा क्या दिख रहा है मुझे नहीं पता, मेरा बकरा मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है लेकिन वहाँ पे भी अच्छा दिख रहा है, उसके बाद लाइव में क्या हो रहा है मालूम नहीं पड़ता है। वो अगला बोलता है मैंने तो ऐसा सोचा था, सोच पे अपन नहीं कंट्रोल कर सकते ना। सही बात, इसके लिए अपन ने अपना एक लाइव देख के ले जाओ भाई, तो राजू भाई आपके हिसाब से उसका वेट क्या रहेगा, इसका 100 किलो रहेगा? नहीं नहीं, 90 मालूम है, हम लोग तो है ना 90 बोर है, काटे पे चलेंगे 90 तो हमारा काट दिया मारता ही 90 तो हमारा रहेगा ही रहेगा, मगर काटे पे जो चढ़ के जो बताएंगे आना छाने के बाद अलग आता है। 100 किलो का बकरा रहेगा तो हम लोग 90 बोल देते, क्योंकि हमारा कहते हैं जिसको पसंद है जो, और वैसे भी नक पे बेचने के नहीं आदमी तो आए पसंद आए दे देने। हाँ, ऐसे बकरे को वजन थोड़ी आ करता, कुछ छुट्टी हो पैसा दे दे लेते हैं। माशाल्लाह, ऐसी चीज है वो कि देख के आके लेके जाओ, सबसे प्रेफरेंस वही करते हम लोग कि बस नौशाद भाई का इधर वीडियो देखो खाली, और वही बकरा नौशाद भाई के इधर देखने आओ, बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं ना माशाल्लाह। आदमी देखे तो क्या है, अच्छा लगता है कि आदमी देख के लेके गया है। सही बात है, वैसे भी ईद का टाइम है, ऑनलाइन का जमाना नहीं, पैसा तो देख के लो। सही बात है ना, लेके कुर्बानी करना है, साल भर थोड़ी ना पाला। तो इतने इतने खेत सुनने में आते हैं, कैसा लगता है कि अरे क्या हो रहा है। नहीं यार, सही बात है, अपना भाई सीधा कहना है कि लाइव देखो जो पसंद आता है देखो, पसंद आता है मोहब्बत से जो, माशाल्लाह इनके पास एक से एक चीज है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। 200 बकरे हैं जो अल्लाह हमारे साथ से कुर्बानी करना तो अल्लाह करा ही देगा इंशाल्लाह। और फ्रेंड्स मुझे जहाँ तक ये लाल ये वाला बकरा बहुत ज्यादा पसंद है, ये अगर कोई अगले साल के लेता तो माशाल्लाह यादगार रहेगा। 130 किलो तो माशाल्लाह इनके इधर, तो नौशाद भाई मैं जहाँ तक देखा ना आपके पलाई में ना जो बकरे ना क्या जो बाल है ना बहुत जल्दी बढ़ रहे हैं, बहुत घने बाल है। नहीं तो वो जो सप्लीमेंट यूज करते हैं, अच्छा वो उसके वजह से तो खुर भी तो इनके उतने जल्दी बढ़ते हैं। अच्छा, खुर मेरे को 20 दिन में कटवाने पड़ते हैं। जहाँ तक देख रहा ना इतने बड़े बड़े बाल रहते हैं। हाँ, तो उन्हें वो खुर भी बढ़ते हैं, वो जो लोग यूज करते हैं सप्लीमेंट इनके ऊपर। अच्छा, वो थोड़ा ग्रोथ वाला है। अच्छा अच्छा अच्छा, किसी बकरों पे ज्यादा काम करता है तो ज्यादा हो जाता है। अच्छा, तो आपके सप्लीमेंट का ऐसा तो नहीं है हर बकरे में रिजल्ट आता है, कुछ कुछ आता है? देखिए अब कैसा है, अभी कैल्शियम है, अब कोई बकरे को कैल्शियम
सूट होता है, सूट ज्यादा हो जाता है, किसी को लिवर टॉनिक भी है ज्यादा सूट हो जाती है, तो वो हिसाब से माशाल्लाह नौशाद भाई ने मुझे दिल से पाल लिया। अभी ये हमारे बंदे है ना, अब खाना सब सेम खाते हैं, मेरे भी आते पड़ता है ना खाना, मैं भी इनके साथ ही खाता हूँ, वही खाना जो मैं खाता हूँ वो ये खाते हैं। अब इनको देख लो, मुझे देख लो, मैं 70-75 किलो, हमारे बंदे 40 किलो, सही बात है। तो क्या इसको क्या सूट होता नहीं कह सकते ना, इम्यून सिस्टम के ऊपर डिपेंड होता है। हर बकरा बनेगा ये गारंटी नहीं है, सही बात, एक ही चीज कहते हैं हर बकरा बनेगा ये गारंटी नहीं, ऐसा भी नहीं कि इधर ही नहीं, किधर भी नहीं, इधर जो खाएगा वही बनेगा, सही बात है। लेकिन अनाज माशाल्लाह बहुत अच्छा दे रहे हो आप, और मैं बता दूं नौशाद भाई काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो भी है सीधा पहले ही क्लियर कर देते, बाद में होगा ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं, उनका है ही नहीं, जो है सीधा है क्लियर है। तो नौशाद भाई वीडियो हम यही एंड करते, और एक बार मैं पूछना चाहूंगा प्राइस बतानी है तो हजारों में है ना, लेकिन दोनों की ना चलेगा। तो फ्रेंड्स मैं वीडियो यही एंड कर देता हूँ, तब तक के लिए फ्रेंड्स प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बकरा किंगडम पर, बाजू के दिए बेल आइकन को भी दबाए ताकि मैं जो भी नई वीडियोज वाले आपको पहले मिल सके। प्लीज डू फॉलो ऑन इंस्टाग्राम टू गेट मोर अपडेट्स, थैंक यू। राजीव भाई कुछ बोलना चाहेंगे, टेंशन में दिख रहे यार तुम, पसीना पसीना आ गए तुम्हारे, चलेगा लेके जाओ।